देवरिया मामले की गूंज तो सदन में सुनाई दी, लेकिन एक और मामले की गूंज भी सदन में सुनाई दी और ये है आज तक का स्टिंग ऑपरेशन, जिसे लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। लेकिन इस ऑपरेशन में हमने ये साफ तौर पर दिखाया कि किस तरह से सुपारी किलर पुलिस पैसे लेकर फेक एनकाउंटर कर रही है। स्टिंग ऑपरेशन में योगी सरकार की पुलिस के फर्जी एनकाउंटर का काला चिट्ठा खोला गया, जिसे लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा। समाजवादी पार्टी आज संसद में ये मुद्दा उठा रही है, वहीं सदन परिसर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन के बाद योगी सरकार भी जागी, यूपी के डीजीपी ने जांच के आदेश दिए, 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। आपको भी दिखाते हैं यूपी पुलिस का वो सच जो आपको हैरान कर देगा कि पैसे के लिए कानून के रक्षक वर्दी वाले किस हद तक गिर सकते हैं। पैसे के लिए पुलिस वाले बेगुनाह का एनकाउंटर तक करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आगरा में एक थाने के सब इंस्पेक्टर से बिजनेसमैन बनकर मिली, जिसमें एक सामान्य सी बात थी कि कोई परेशान कर रहा है और उसका इलाज क्या है। बातचीत में पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस वाले रेट फिक्स करके फर्जी एनकाउंटर की बेहिचक बात करने लगे। मतलब इसमें दो रेट मिल गए, स्मैक वाला कराते हो तो 2.5 लाख रुपए, क्यों सर्वेश जी, और एनकाउंटर कराते हो तो 4 लाख। एनकाउंटर 5-6 लाख से ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 लाख, 6 लाख और कितने लाख, बस बोली लगाओ और किसी का भी एनकाउंटर करवाओ। यूपी पुलिस के इन परम पराक्रमी के बारे में भी जान लीजिए, जिनकी बंदूक सेल पर लगी। नाम सर्वेश कुमार, पोस्ट सब इंस्पेक्टर, थाना चित्राहाट, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। सर्वेश कुमार आगरा के चित्राहाट थाने के सब इंस्पेक्टर हैं, मतलब थाने के सेकंड इंचार्ज। बातें और दावे देखते और सुनते जाइए, किसी से दुश्मनी कैसे निकालना है, हर तरीका इनके पास। अच्छा ये बताइए, आप जो मुकदमा लिखाने की बात कर रहे हैं, मुकदमा की बात ही नहीं है, जेल कैसे जाएगा आपको अपनी तरफ से भी जेल तो पुलिस। अच्छा बिना मुकदमा लिखाए हमारे जेल चला जाएगा आपको? पुलिस तो बरामद करे वो सारे 250 ग्राम स्मैक वहाँ का, जो 250 ग्राम स्मैक वहाँ का, 100 ग्राम स्मैक दिखा रहे, बोले 6 महीने जेल नहीं है, 6 महीने जमाने होगी। एसआई सर्वेश कुमार फर्जी केस बनाकर किसी को भी फंसाने को तैयार हो, जिसमें वो स्मैक के प्रतिबंधित नशे की बात कर रहा था। उसने दावा किया कि वो कुछ दिन पहले ही 2-3 लोगों को ऐसे केस में फंसा चुका है। वो चीज तो उधर स्मैक की, उधर स्मैक मुझे अभी स्मैक मुझे बताया जो इस थाने पा करके, ये तो नीरस थाना है, तो नीरस यहाँ तो कुछ ऐसी चीज नहीं है, कभी कभार कभी गोई ने पाला पड़ेगा। मेरे पास समथिंग खरीदी एक सबक लोग चरस था, वो भी हमने दूसरे कोई 2-3 केस में, 2 केस में लगा दिया, क्योंकि चरस तो सूख जाता, खराब हो जाता है, तो टाइम ओवर हुआ, मैंने उधर को सरप्राइज कर दिया, मिले किसी और में चरस का केस। लेकिन जब हमने बताया कि मामला ज्यादा ही गंभीर, ज्यादा ही परेशानी है, तो थोड़ी देर की बातचीत में एसआई सर्वेश कुमार एनकाउंटर वाली बात पर खुद ब खुद आ गया। और जो जिस तरह का आपकी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व का एक ही तरीका है, बाय चांस मेरे पास 2-3 बैंक हैं, कहीं बैंकों में कोई वारदात हो जाती है तो मैं उसे अपने आप इन्वॉल्व करूँगा। अच्छा, और इस इन्वॉल्व में हम काफ़ी हद तक उसको कर सकते हैं, जैसे इंजर्ड भी हो सकता है, जान भी खोने हो सकता हो। बिजनेसमैन के तौर पर गए आज तक के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रिपोर्टर से अब तक की बातचीत में ये सब इंस्पेक्टर ये बता चुका था कि जिसके बारे में कहेंगे उस पर प्रतिबंधित नशा रखने का फर्जी केस लगाकर जेल भेज देंगे। प्रतिबंधित नशे का जुगाड़ वो खुद कर लेगा, जो अभी उसके पास नहीं था, और कानपुर से मंगवाने की बात कही। जब उसे बताया गया कि ज्यादा ही परेशानी है, फर्जी केस से बात नहीं बनेगी, तो उसने सीधे सीधे एनकाउंटर की बात कह दी। लेकिन सवाल ये था कि क्या यूपी में किसी थाने के किसी सब इंस्पेक्टर के लिए किसी का भी सीधे एनकाउंटर करने का दावा इतना आसान है?
आगे की बातचीत में एसआई सर्वेश कुमार ने खुद ही वो तरीके भी बताने शुरू कर दिए जिससे एनकाउंटर की स्क्रिप्ट तैयार। तो आपका कहने का मतलब है एनकाउंटर हो सकता है इसका? ये इस कंडीशन तो एक कंडीशन करवाइए पैदा। अब जी हम कोई करवाएगा क्या? जो तो हमून हो जाती है मेरे कहीं भी, मेरे यहाँ हो गई, जयपुर हो गई, बाह में हो गई, तो मैं अपनी बताऊँ कि तीनों थानों पर जो जिम्मेदारी मेरे पसंद है सेट कर सकता हूँ। अच्छा, इन्वॉल्व कर सकता हूँ इसको, और जो भी इसके लगे इसमें हो साल जो भी 4-5 लाख 5-6 लाख यानी तीनों थाना का खर्चा हो जाएगा सबके किसी में। आगरा के चित्रहार थाने का एसआई सर्वेश कुमार अब एनकाउंटर पर बेहिचक खुलकर बात करने लगा, रेट भी बताने लगा और ये भी कि वो कैसे एनकाउंटर की फुल प्रूफ प्लानिंग करेगा। उसने बैंक लूट में फंसाकर एनकाउंटर करने की प्लानिंग बताई। उसने कहा कि कैसे फंसाना है ये काम पुलिस पर छोड़ दो। एनकाउंटर के लिए उसने अपने थाने के इलाके में रेट 5 लाख रुपए बताया और अगर आसपास के थाने को भी सेट करना पड़ा तो रेट 8 लाख बताया। तो उसको खत्म करवाने कितने फिर वही 5-6 लाख जो आप कह रहे हैं? इसमें दो रेट मिल गया, स्मैक वाला कराते हो तो 2.5 लाख रुपए क्यों सर्वेश जी, और एनकाउंटर कराते हो तो 4 लाख। लेकिन सवाल ये था कि क्या ऐसे पुलिस वाले किसी का भी एनकाउंटर करने के लिए तैयार हैं? उनका भी एनकाउंटर जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इनकी है बिजनेस राइवलरी उस बंदे के साथ, व्यापार में बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, मुकदमा कोई नहीं है, दोनों के बाप बेटो इनोसेंट है। तो तभी तो कर रहा हूँ, जब भी केस कर रहा हूँ कि इस केस के अलावा दूसरा आदमी को बेची नहीं है उसका। ऐसे पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी पर क्रिमिनल केस है या नहीं। जब खुलकर ये बातें करने लगा तो हमने ये भी पूछ लिया कि अगर एनकाउंटर में वो आदमी बच गया तो क्या होगा। लेकिन कहीं बच गया तो पैसे भी हमने आपको दे दिए। बचने का तो कोई चांस ही नहीं होता है, उसमें क्या चांस होता है? वो आदमी मेरे टारगेट में या रखा, मेरे अंडर में आ रहा है, उनको रखा हुआ है, तो उसमें बचने का चांस क्या है? बचने का चांस नहीं है ना। क्या चांस? जिंदा ना बचे हो। बचने का चांस क्या है? वो तो आपको पता होगा ना, गोली तो आप मारेंगे, मैं थोड़ी बार मुझे पता अब कहाँ मारने के। लिखापड़ी में कोई चीज़ अरेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन अरेस्ट तो होता है, लेकिन लिखापड़ी अरेस्टिंग होता है। जब सरियाम खड़े होकर के यहाँ से आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं, शूट किया जा रहा है, तुम्हारा बचने का कोई चांस ही नहीं है। बचने के लिए एनकाउंटर थ्रू होता है, ठीक है, एनकाउंटर बचने का थ्रू होता है, इस पर कोई होता ही नहीं है। कौन होता पुलिस के अलावा? कौन होता? फुल प्रूफ प्लानिंग, प्लॉटिंग के साथ और बेहिचक पैसे के लिए एनकाउंटर, ऐसे दावे और सोच वाले पुलिस वाले हैं तो फिर यूपी सरकार और पुलिस सिस्टम को देखना होगा कि एनकाउंटर राज में ऐसे पुलिस वाले जो सुपारी किलर बनने पर उतारू हैं, उनकी सोच को ठिकाने लगाना जरूरी है। जमशेद और सुशांत पाठक के साथ अमित चौधरी, आज तक। संसद में तो इस मामले की गूंज सुनाई दी, लेकिन इसके अलावा अब इस पर बयान भी सामने आ रहे हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर क्या कह रहे हैं, सुनिए। बदकिस्मती है कि योगी जी ने कितने लोग मरवा दिए, इसको कौन साबित करेगा, कौन सी अदालत साबित करेगी, इसमें कितना सच है और कितना झूठ और कितने बेगुनाह और निर्दोष जो है पुलिस की हावस के या योगी जी के संरक्षण के पर उनकी उनकी जान चली गई। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है पलटवार, हालांकि बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी किया। ऐसे जिन लोगों ने किया है अपने आप में, उनके खिलाफ तुरंत उनको निलंबित करने की कार्रवाई हुई है और इसको डीजी पुलिस यूपी ने जांच के आदेश दिए हैं कि इसमें क्या है और किस कारण, क्योंकि सरकार बिल्कुल इस तरह के लोगों को न एक्सक्यूज करेगी और जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ होगी। आज तक ने दिखाया कि योगी राज में कैसे पुलिस वाले रुपए लेकर बेगुनाहों का एनकाउंटर करने के लिए तैयार हैं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन सुपारी किलर पुलिस दिखाए जाने के बाद सूबे के डीजीपी ने आरोपी 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए हैं।
इनकाउंटर कराते हो तो 4 लाख, 5-6 एनकाउंटर 5-6 लाख से ऊपर जाएगा। ठीक है, आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया यूपी के एनकाउंटर प्रेमी पुलिस का खौफनाक सच। आज तक ने दिखाया कि कैसे रुपयों के लिए यूपी पुलिस के कुछ अफसर अपना ईमान बेच रहे हैं, बेगुनाहों के एनकाउंटर के लिए तैयार बैठे हैं। आगरा में तैनात पुलिस अफसरों की शर्मनाक करतूत हुई आज तक के खुफिया कैमरे में कैद। आज तक पर दिखाए गए ऑपरेशन फेक एनकाउंटर से पूरे देश में हड़कंप मच गया। एनकाउंटर प्रेमी यूपी पुलिस सवालों में आ गई। सूबे के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने आनन फानन में आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाए गए तीनों अफसरों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए। यूपी पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी कि पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कर्मियों के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान को गंभीरता से लिया है, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि खराब हुई है। पुलिस महानिदेशक ने आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। फर्जी मुठभेड़ के लिए तैयार होने वाले तीनों अफसरों को सस्पेंड करने का ऐलान किया आगरा के एसएसपी अमित पाठक ने। I would completely disagree with what these people are saying. We are very disciplined people. We work very hard. These 3 or 4 people would not decide what UP police does. What they have spoken, we have taken into cognizance. We'll inquire into it and they will follow. They will face the action. एसएसपी ने महकमे के ऐसे भ्रष्ट अफसरों को बेनकाब करने के लिए आज तक का धन्यवाद किया। आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन फेक एनकाउंटर में दिखाया कि प्रमोशन, पैसा और पब्लिसिटी के लिए यूपी पुलिस के कुछ अफसर कैसे शॉर्टकट के तौर पर फर्जी मुठभेड़ के लिए भी तैयार रहते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 से अब तक यूपी पुलिस की ओर से करीब 1500 एनकाउंटर हुए, जिसमें से 241 एनकाउंटर सिर्फ आगरा जोन में हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी पुलिस ने कितने एनकाउंटर असली और कितने फर्जी किए। आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी एक खास पेशकश जारी है। ये बहुत खतरनाक सोच का खुलासा है जिस पर योगी सरकार को तुरंत एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टिंग ऑपरेशन में आगरा के एक थाने का इंचार्ज भी शामिल है, जिसने सीक्रेट कैमरे पर खुलकर बताया कि प्रमोशन के लिए या थाना इंचार्ज बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसमें एनकाउंटर करना कौन सी बड़ी बात है, इन्हें जांच तक का डर नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कि पैसे और सेटिंग से काम चल जाएगा, और फर्जी एनकाउंटर कर भी दिया तो कोई असर नहीं पड़ेगा। चार्ज के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, ये मत ऐसा है कि चार्ज पाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। ये पद ऐसा है, मतलब थाने का इंचार्ज पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, हत्या कर दे, पैसे से खरीद ले, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी कर ले, ये पद ऐसा है। देखिए ऐसा है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो जिले का कप्तान बोला, काले ऊपर अधिकारी बोलता, अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब उसमें कोई मान लो गलती हो गई, यहाँ तो हर 10 कदम पे गलती है, तो मेरी जांच शुरू हो जाती है। जांच में वही अधिकारी मेरी हर डाल पे उल्लू बैठा हुआ है, बिना इसके लिए जांच नहीं खत्म होती। इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों से जुड़ी है ऑनलाइन डाउनलोड करिए आज तक का मोबाइल ऐप या फिर विजिट करिए वेबसाइट aajtak.in। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।